शारदा नवयुग दुर्गा उत्सव समिति शारदा चौक जबलपुर में पिछले 26 सालों से अलौकिक झांकियों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष शारदा उत्सव समिति के द्वारा अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर का निर्माण दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा जबलपुर में निर्माण किया जा रहा है। भव्य मंदिर के निर्माण में लगभग 70,000 समिति के खर्चे होने बताए जा रहे हैं। मंदिर के निर्माण में जबलपुर के कलाकार राजेश पिल्ले जी बिलहारी जबलपुर में इनके साथ 25 से 30 लोगों की टीम इस भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है। इस समिति के द्वारा अष्टमी और नवमी को 1,000 दीपों का जो है प्रज्वलन किया जाएगा। शारदा समिति के नवयुग मंडल में श्री संतोष चौकसे जी, पंकज गौतम एवं गुड्डू भैया और समिति के सभी सदस्यों ने यह अलौकिक श्री राम मंदिर अयोध्या का निर्माण इनके द्वारा किया जा रहा है। जी विजय, दुर्गा उत्सव समिति की जो बैठक चल रही है, इसके बारे में जो मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें ये सारा जो साज सज्जा का सामान है, ये कहाँ और कैसे अपन इसको करिए और क्या प्रबंधक समिति का कहना है इसमें? जो अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है वो जबलपुर के कारीगर द्वारा किया जा रहा है। इसमें अपन को लोहा, अपना थर्माकोल, सेंटिंग, इस प्रकार आदि उपयोग किया जाएगा। और इस बार हमारी एक विशेषता ये रहेगी, अष्टमी और नवमी को 1,000 दीपों का हम लोग दीपोत्सव भी कर रहे हैं, वो हमारे जन आकर्षण का केंद्र है। जी जी, और इसमें 9 दिन अपने क्या क्या कार्यक्रमों का? हमारे यहाँ 9 दिन विशेष प्रोग्राम होता है। हमारा बैठकी के दिन माता रानी का आगमन हो जाता है, आगमन भी हम लोग बहुत बड़ी धूमधाम से लेके आते हैं माता रानी को। और इसके बाद हमें अष्टमी और नवमी को महाआरती होती है और पंचमी से पट खुल जाते हैं, और पंचमी के बाद से हमारे समिति द्वारा रोज रात को भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार आप राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कुछ भक्तों के लिए कुछ विशेष रखा गया है कि दर्शन करें माता? नहीं, हमारे यहाँ इस प्रकार का विशेष जो बुजुर्ग हैं उनको विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति दर्शनार्थ के लिए आता है, हमारे यहाँ के जो समिति के लड़के हैं वो बकायदा उनको लेके आके और जल्दी से दर्शनार्थ कराओ। नाम बताओ। मेरा नाम गुड्डा है। श्री शारदा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा विगत 26 वर्षों से अनेकों निर्माण किए गए झांकियों के, इस वर्ष अयोध्या का राम मंदिर जो प्रस्तावित है उसकी झांकी प्रस्तुत की जा रही है, जिसकी लागत करीब करीब 7-7.5 लाख रुपए आ रही है। उसके कलाकार जबलपुर के ही हैं, राजेश पिल्ले जी बिलहरी के, और उसमें उनके साथी 20-25 लोग उनके द्वारा काम किया जा रहा है इसमें। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मंदिर बनवाने की? हमारी समिति के द्वारा जो देश में हलचल होती है उस विषय को लेके हमारी समिति झांकियाँ प्रस्तुत करती आ रही है। इस वर्ष अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना है, उसी को लेके हम लोगों की समिति के द्वारा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। नाम बताओ। पंकज वर्मा।